आज मैं बनाने जा रहा हूँ क्रीपर फार्म, क्योंकि मेरे को गन पाउडर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं बनाऊँगा क्रीपर फार्म। और मेरे से उस फार्म के बारे में तो बिल्कुल मत पूछो, मैं ना मैं बताऊँगा। तो गाइज, पिछली वीडियो में मैंने एक तो ये फार्म बना के दिखाया था आपको, और उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसकी मैं पीसी की रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, और कम से कम 40 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। चलो यहीं से पहले स्टोन ले आओ। अबे लावा देखो गिरने लग गया उसके अंदर। भाई कुछ नहीं हो सकता इसका, मेरे समझ के बाहर हो रहा है ये फार्म। बहुत ही ज़्यादा बेकार फार्म है अब तक का मेरे वर्ल्ड में, मैं दूसरा ही बनाऊंगा कोई। चेस्टों में से पहले कोबल स्टोन्स निकाल लेता हूँ गाइस, जितने भी बने हैं। मेरे को अंदाज़ा लगा लिया मैंने कि मेरा माँ बहन कराए। तो गाइस सबसे पहले तो हमें पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी, लोकेशन। ये देखो ये मैं ले गया हूँ शीप, ताकि वूल की कमी ना हो। ऐसे इनके साथ कुछ ना कुछ करवा दूंगा मैं, एक्सपी की एक्सपी तो मैं नहीं दूंगा खाने के लिए, फालतू थोड़ी ना है। तो मजाक की बात मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना अपने फार्म बनाना है, और फार्म बनेगा, जगह मेरे को देखने दो। वो सामने मैंने जगह खाली करी है, वहाँ पे बनेगा। देखो अब देखो सबसे मेन काम अब आ रहा है, पहले ना जहाँ मैंने बनाना है उधर मामला ये मैं सारा खाली करूँगा। एक घास वास मेरे को पसंद नहीं है, यहाँ से बनेगा शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 हो गए। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना। अब यहाँ से 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर वहां जाके ये मिल गया ना तो मतलब समझ लो सही बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा इसको ऊपर से देखा जाए, डन डन डन। और ये मैंने गलती से जो काम कर दिए हैं इसको आप ना करें तो अच्छा है, इससे कोबलस्टोन की बर्बादी होती है। मेरे को पता नहीं था कि ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी नया नया प्लेयर हूँ यार, तो मेरे को थोड़ा सा माफ़ कर दिया करो। अब पता क्या करना है, अब यहाँ पे खुदाई करनी है। ऐसे करते चलो, ये तो ऐसे गिर रही है जैसे रेट गिर रहे होते हैं। ले भाई दिया। तो गाइस एक ब्लॉक छोड़ के खुदाई हटना, खुदाई कर दो बस। दिस इज व्हाट वी कैन कॉल स्पीड। तो गाइज अब देखो ये मैंने खाली कर लिया ना, अब पता करना क्या है, वाटर लो, पानी की बाल्टी होनी चाहिए आपके पास। देखो मेरे पास तो इधर अनलिमिटेड वाटर सोर्स है, तो मैं इधर बनाऊंगा नहीं, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक बाल्टी लो, यहाँ से उठाओ इधर डालो, उठाओ इधर डालो, ऐसे हर जगह डाल दो, ठीक है।
तो गाइस अगला दिन हो चुका है और मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी जो मैंने अब ठीक भी कर दिया है। आपको भी बता देता हूँ करना क्या है। ये जो एक ब्लॉक है यहाँ पे रहने देना और यहाँ से ब्लॉक्स तोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यहाँ से साइड साइड पे एक ब्लॉक रहने देना, बाकी सारे तोड़ देने। तो आपको कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। अब इस पर चलो सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है ना, तो यहाँ से कर दो 7। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 7। ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से 3x3 का खड्डा खोद दो। ओके आओ इसको 2 ब्लॉक डीप खोदो। दो ब्लॉक डीप हो गया और यहाँ से 2 2 वाइड ये वाला 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया 1 2 3 4 तो गाइस यहाँ पे ऐसे चेस्ट लगा के ना एक हॉपर लगा दो इसके पीछे बस। और थोड़ा सा काम और है, एक इधर ये रेल लगाओ, इधर लगाओ ये रेल, और ये रेल लगेगी कुछ ऐसे। समझ गए? हाँ तो ऐसे कुछ डब्ल्यू सा बना देना है और काम खत्म। अब एक साइड से ना अपना निकलने का रास्ता बना लो। मैं बनाऊंगा, मेरा घर किधर की साइड है मेरे को पता भी नहीं है यार। मेरा घर है उधर की साइड, तो मैं रास्ता बनाऊंगा उधर। हाँ अब ठीक है। अब जरा मैं कोबल वो ले आता हूँ मैग्मा ब्लॉक और रात भी होगी सो जाते हैं पहले। तो गाइस मैं अपना सारा सामान लेके आ चुका हूँ जो जो चाहिए था। देखो सबसे पहले मैग्मा ब्लॉक चाहिए और बाकी हॉपर तो पड़े थे, चलो कोई नहीं पड़े हैं। रेडस्टोन चाहिए, रिपीटर चाहिए, ये ऑब्जर्वर चाहिए, डिस्पेंसर चाहिए और कोबल स्टोन चाहिए। तो सबसे पहले इधर सिस्टम बिठा दो। और एक चीज जो मैं लाना भूल चुका हूँ, भूल गया हूँ, वो आपको पता ही होनी चाहिए, जो कि है फेंस गेट। अब सबसे पहले फेंस गेट ले आता हूँ। तो गाइस फेंस गेट आ चुके हैं, अब मेरे को चुपचाप से इधर लगाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं खड़ा हूँगा तो मेरे बजेंगे थप्पड़ थप्पड़, तो इसलिए मैं खड़ा दूर भी हूँ इसके। वो पड़ी तो ऐसे सारे फेंस गेट लगा देने हैं। ऐसे कर दो, स्टार पैटर्न बना देना इधर भी। जैसा इधर था। तो गाइस अब क्या करना है, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना इधर जाओ चुपचाप से, ये सेंटर है, इधर लगाया ब्लॉक, तो एक लगाया इधर, एक इधर, 3। इसको तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो। और यहाँ पे एक बनेगा प्लेटफॉर्म, 1 2 3 4 1 2 3 4 दो ब्लॉक का आपको 9 ब्लॉक्स का पैटर्न लाना है, 2x9 का सीधे शब्दों में। तो गाइस थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, ये मैंने नीचे नहीं कर रहा था, तो ये मैं नीचे नीचे करके आया हूँ दोबारा से, बहुत पंगे है माइनक्राफ्ट में। यहाँ पे अब मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, देख लो कैसे बनाया है, ऐसे करके तो सबको डिले कर दो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉर्च लगानी है, पहले इधर लगाओ, इसको फटाफट हटा दो, पूरा काम खत्म। मेरा मतलब है एक काम खत्म, जा मैं निकल नीचे मत। अब यहाँ पे करना क्या है, इसके ऊपर लगाना है, ऐसे लगेगा ऊपर को मुंह करके। देखो ये लगा दिया तो थोड़ा सा काम खत्म। ठीक है अब यहाँ से 9x9 का ब्लॉक बनाना है, 1 2 3
फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। दोबारा से गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। तो 9 बनाना है इसको, ये वाला तोड़ देना है क्योंकि ये वाला ब्लॉक भी तो है भाई। ये है पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहीं से इधर को भी कर लो 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं नहीं भाई ऐसा नहीं आएगा, कुछ ऐसे होता है। यस दिस शुड बी गुड। थंडरस्टॉर्म चल रहा है, वाओ इसी पे लगता है बिजली गिरने वाली है। जब भी कोई फार्म बनाता हूँ ना तो ये थंडरस्टॉर्म से चल पड़ते हैं। तो गाइस ये एक फार्म ऐसे बना दिया मैंने, मतलब एक लाइन ऐसे बना दिया। तो पर रखो पहले कोबलस्टोन और ऑब्जर्वर ऐसे करके, ठीक है, इसके ऊपर लगाओ यही। ओए वो देखो छोटा मुन्ना। अब एक लेयर बना दी है, टोटल 6 लेयर्स बननी है, तो बनानी शुरू कर दो। तो गाइस मैंने सारा काम दाम कर लिया है, ये सारा मैंने ऊपर तक 6 फ्लोर बना दिए हैं, मैं ऐसे दिखा नहीं सकता। और इसमें ना सबके नीचे नीचे, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे दो लगा देनी है, ट्रैप डोर लगा देने हैं, ठीक है, समझ गए ना, सबके नीचे लगा देना। और मैं डाल के दिखाता हूँ, और बस ये तो फर्स्ट वाला ही है ना, ये देखो इसके नीचे ऐसे छोड़ देना बस, ठीक है, बाकी सबके नीचे स्लैब लगा दो और काम खत्म। मैंने कहा क्यों बोर करूँ यार, सबको बहुत मुश्किल काम था ये, पर कोई नहीं मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे ऊपर पहले स्लैब लगा दो, तो गाइस ये हम ऊपर स्लैब इसलिए लगा रहे ताकि ना इसके टॉप पे कोई भी ना ज़ॉम्बी या क्रीपर स्पॉन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको लंबा खींचना है, मैं आपको बताता हूँ इसका पैटर्न कैसा होता है। ये सेंटर है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये सेंटर है इसका, ये मैं तोड़ नहीं रहा अभी। यहाँ से आपको 17 17 निकालने, देखो 1 2 9 है ना, ये यहाँ तक 9 है, 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ से 1 2 3 ये फोर्थ ब्लॉक। अब यहाँ से गिनना है 13 का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गया ना, मैं भूल गया भाई 12 है, और ये 13, यहाँ से 1 2 3 और 4। अब ये देखना अपना उस सेंटर पे निकलेगा जाके, 2। अब गिनो मत, यहाँ से सेंटर पे निकला तो अपने आप ही ठीक है, हाँ बिल्कुल सही करा है। तो ऐसी सब जगह करो और आओ कर तुम। हे भगवान कैसे किया मेरे को पता भाई, इसलिए मैंने वो वाली मेहनत नहीं दिखाई आपको।
तो गाइस बहुत मुश्किल से मैंने ये पूरा करा है। मेरी उंगली दर्द होने लग गई है यहाँ से, ये टेढ़ी सी हो रही है पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने कंट्रोल दबा के रखा था, वाई नॉट, क्यों नहीं होगी। तो ये जो खराब कर दी है मैंने, ये सारे मैं ठीक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट डन गाइस, ऑलमोस्ट डन। चलो अबे यार रात हो रही है अभी, तो मैं पानी में कूद सकता हूँ, पर नीचे ज़ॉम्बी खड़ा है। ये देखो, देख लिया इसने मेरे को। कोई बात नहीं, सुबह का वेट करते हैं। तो गाइस अब पता क्या करना है, अब यहाँ से मैं पानी की बाल्टी लेके आया हूँ पांच, ठीक है, पांचों ले जाके ना इसमें डाल दो, एक एक सब में डाल दो, मतलब कि पांचों नहीं। ये गाइस ये सब तोड़ने के बाद ना आपको एक माइन कार्ट चाहिए, ये वाली, ठीक है, हॉपर लगाओ इसके छत पे, इसको रख दो। अरे एक काम तो मैं करना भूल ही गया। तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है अपना फार्म, लग्जरी सा। और ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया मेरा, कोई नहीं, इसको कर दूंगा मैं अभी, अभी कर दूंगा, पहले बाद में नहीं, बात का मत सोचना। अब ये खोदो पहले, तो फिर ज़्यादा खुद गया क्या। रेडस्टोन टॉर्च ये क्या लगा दी, मतलब इनको पावर मिलनी चाहिए, साफ सीधी बात तो ये है। और ये लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे अब ये लगा दो। इसको धक्का मारना है तो इसके लिए फिशिंग रॉड भी चाहिए। तो गाइस थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो टॉर्च बंद हो गई है, फ्लैश लाइट की डिस्कॉर्ड। ये लो भाई, फिशिंग रॉड बना ली गई है गाइस। ये लो गाइस घूमने लग गई, मर रहे होंगे तो इसमें सामान आने लग गया होगा। आ रहा है सामान, आ रहा है, यस। अब जरा ना AFK किया जाए। तो AFK करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अभी मैं 66 पे हूँ जैसे, तो मेरे को 192 तक जाना पड़ेगा। तो गाइज मैं आ चुका हूँ 195 पे, चलो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं वैसे अपने, चलो कोई नहीं, छोड़ो यार, 192 पे रहते हैं, ठीक है। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फार्म मैंने बना दिया है, आपने देख लिया है, अब मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, इसमें AFK हो रहा हूँ, मतलब खड़ा हो रहा हूँ, आधे घंटे के लिए खड़ा रहूँगा, और फिर वीडियो डाल दूंगा, बता दूंगा मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके कि कितनी देर तक मैं खड़ा रहा और कितना सामान आया। ओके गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और फार्म आप, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पहले बनने पूरी वीडियो देखा करो, उसके बाद बनाने बैठा करो, क्योंकि मेरे से भी गलतियाँ हो जाती है।